देखिए, कह रहे हैं यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में दिखने में तो हम लोग ये आयत ही लेंगे, लेकिन इसे हम लोग मानेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। और क्या कर आपके क्वेश्चन में कि इसके विकर्ण बराबर है, आपका समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण बराबर है, यानी कि ए सी जो है इस बी डी के इक्वल दिया हुआ है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका विकर्ण जो है ना एक दूसरे के इक्वल है, ए सी इक्वल टू क्या है बी डी है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यह जो आपका ए बी सी डी हो रहा है ना यह एक आयत होगा, ए बी सी डी एक आयत है। तो देखो आयत दिखाने के लिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज आयत कब कहलाता है, जब उसका कोई भी एक कोण समकोण हो जाए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का कोई भी अगर एक कोण समकोण हो जाता है तो वह आपका आयत हो जाता है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, कोई भी इसका कोण समकोण दिखा देना होगा। चलिए तो हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमारे पास यह विकर्ण बराबर दिया है, तो हम लोग इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, देखो ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो एक तो पहले ही विकर्ण बराबर दिया है ए सी बराबर में बी डी, यह दिया है, हम लोग सर्वांगसम करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को। अच्छा, और यहां पर हम लोग बी सी जो है ए डी के बराबर लिख सकते हैं, यह बी सी ए डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सम्मुख भुजाएं इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए बराबर हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा चीज, देखिए ए बी जो है ना ए बी इस बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है ना ए बी, तो देखो इधर से ए बी लिया है तो इधर से मैंने यहाँ पे उसी के अनुसार लिया है बी ए, यहाँ ए बी लिया है तो यहाँ पे नाम बी ए ले लेंगे, दोनों का मतलब एक ही है लेकिन हम लोग संगत शीर्षों के अनुसार ही चला जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, साइड 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 सर्वांगसमता, ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी में एंगल यह बी, ठीक है, इक्वल हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के एंगल किसके, ए के, ठीक है, हो जाएगा ना सी पी सी टी से। चूंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का योग या आसन्न दो कोणों का योग, आसन्न आसन्न दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखो ये ए डी समांतर होगा ना बी सी की, ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो इसका और इसका एकांतर है ना, एक ही तरफ के अंतः कोण है ना जी, ये दोनों एक ही तरफ के अंतः कोण है तो 180 होगा ना जी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल बी और ए दोनों इक्वल है तो किसी का भी नाम हटा कर दूसरा वाला लिख लेते हैं, बी को हटा के एंगल ए लिख दो, तो यहाँ पे टू एंगल ए बराबर 180 ये जाएगा भाग में, तो एंगल ए कितना जाएगा 90। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका समांतर चतुर्भुज था लेकिन एक कोण समकोण हो गया, इसलिए क्या हो गया, आयत हो गया। अतः ए बी सी डी एक आयत है, हमने यहाँ पर ये साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर